फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं मूंग दाल। ये बहुत ही टेस्टी होता है, सबको बहुत पसंद आता है। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एक कटोरी मूंग दाल ले लिया है, ये घर का भुना हुआ मूंग दाल है, ये 300 ग्राम है। और कटोरी में एक कटोरी मूंग दाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इसको 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लेंगे। पानी डाल दूंगी और 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लूंगी। तो मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरीके से दाल को धो लिया है। मैं एक कुकर लेंगे और उसी कटोरी में जिस कटोरी में हमने दाल लिया था उसको मैंने थोड़ी पानी डालेंगे। तो अभी मैंने इसको गैस को चढ़ा लिया, पानी को गरम होने देते हैं। पानी गरम होने के बाद हम इसमें दाल डालेंगे, उबालेंगे हम, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब गुनगुना होने के बाद हम इसमें दाल डालेंगे। मीडियम साइज के मैंने यहाँ पे 3 टमाटर ले लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो है पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। टमाटर को भी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून डाल के इसको 3 विसल आने तक पकाएंगे। तो मैं इसका लिड लगा लेती हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पे लिड लगा लिया है, अब इसको 3 विसल आने तक हम पकाएंगे। तो मैं मिलती हूँ 3 विसल आने के बाद। प्याज ले लिए हैं, कुछ हरी धनिया के पत्ते को काट लिया है, और यहाँ पे मैंने मिर्ची को भी छोटी छोटी पीसेस में काट लिया है। यहाँ पे हमारे कुकर जो ठंडा हो चुका है, मैं आपको इसको एक बार खोल के दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं धुआं ही धुआं हो गया है, ये बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है, इसको गर्म करेंगे अभी हम। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। बड़ी चम्मच की 1 चम्मच तेल डाल दिया, तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी और इसको चटकने देंगे। अब मैं इसमें हरी मिर्च भी डालूंगी। चटकने के बाद जीरा चटक चुका हो, देख सकते हैं मिर्च डालूंगी। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। मूंग दाल का फैसला नहीं देखता, प्याज ही देखता है, इसलिए मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, और जो फ्लेम है वो बनाई नहीं रखना है, मीडियम नहीं रखना। अब इसको फटाफट से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं। प्याज हमारा रेडी हो चुका है, अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि मैंने पहले इसमें ग्रीन चिली डाला था, इसलिए अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी 1/2 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैंने इस पर दाल को भी डाल लिया है, इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं धनिया पाउडर पत्ता डालूंगी, और उसके बाद 1 से 2 मिनट रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग को दाल फ्राई बनाना है तो उसके
इसका वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वो देख सकते हैं। ये मूंग दाल है और उसमें हमने येलो दाल से बनाया था दाल फ्राई, और ये मूंग दाल का दाल है। तो हमारा जो दाल है वो बन के रेडी हो चुका है, मैं इसको बंद कर दूंगी। आज हमारा जो मूंग दाल की रेसिपी, अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।